आरजेडी में पार्टी के अंदर अब परिवार का अंतर्कलह साफ दिखने लगा है। अगर आप तस्वीरों को देखें तो दिख जाएगा कि इस तस्वीर में जो लोग अनुपस्थित हैं वो बिहार की राजनीति में कितना दखल रखते हैं, और खास करके आरजेडी पार्टी के अंदर की राजनीति में। इस तस्वीर में ना तो आपको तेजस्वी यादव दिखेंगे और ना ही जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह ना दिखे एक बार को शायद यह बात चल सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव जो दिल्ली से पटना सिर्फ इसलिए गए थे कि आरजेडी की इस बैठक में शामिल होकर राज्यसभा के लिए जिन दो नामों पर फैसला करना है उस पर चर्चा कर सके। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो ये कहते हैं कि आज बैठक होगी, उसके बाद नामों पर चर्चा की जाएगी, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि कौन राज्यसभा जाएगा। लेकिन इसके इन सब बातों के बावजूद तेजस्वी यादव खुद इस मीटिंग में शामिल नहीं होते। तो जो बातें तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर कही थी, क्या वो बेमानी नहीं? स्टेट यूनिट की भी है और नेशनल पार्लियामेंट बोर्ड की भी बैठक होगी, उसके बाद इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। ये पूरा प्रोसीजर पहले पार्लियामेंट्री की बैठक हो जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वही होगा। आरजेडी की जब बैठक शुरू हुई तो ये भी कहा गया कि इस बैठक में कई नामों को लेकर चर्चा तो हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी उहापोह की स्थिति तब हो गई जब तेज प्रताप यादव के जिंदाबाद के नारे कार्यकर्ता लगाने लगे। खबरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर परिवार का अंतर्कलह साफ दिखा। मीसा भारती दिखी, राबड़ी देवी दिखी, तेज प्रताप यादव दिखे, लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष और एक तरीके से देखा जाए तो आरजेडी में सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ही इस पूरे मीटिंग से गायब रहे। अब्दुल बारी सिद्दीकी इसके बाद बाहर आए और उन्होंने कहा कि इन नामों के लिए लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया है। यही प्रस्ताव पारित हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अधिकृत किए जाएं। परिवार के अंतर्कलह के बाद जेडीयू को तो जैसे एक मुद्दा मिल गया और जेडीयू ने निशाना साध दिया है आरजेडी के ऊपर। राजद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पारिवारिक पार्टी है, जहां सभी फैसले परिवार के द्वारा ही लिए जाते हैं। पहले तो लालू प्रसाद यादव जी की ही चलती थी, अब तेजस्वी जी का भी दखल रहता है। हाँ, तेज प्रताप यादव जी को मौका नहीं मिलता है और समय समय पर इस बात की टीस निकलती भी रहती है। अब इस मीटिंग में तेजस्वी जी क्यों नहीं आए बेहतर वही बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि परिवार के अंदर ही मनमुटाव रहा होगा। अब इस सीट पर दीदी का भी दावा है और ये लोग किसी पूंजीपति को भी भेजने के चक्कर में है, तो ये पारिवारिक मेलोड्रामा हमेशा चलता रहता है। आरजेडी से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही है और ऐसे में एक नाम के लिए तो कहा जा रहा है कि मीसा भारती का जाना तय है, लेकिन दूसरे नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आखिरी फैसला लालू यादव को करना है, जैसा कि कल की बैठक में निर्णय लिया गया है। ऐसे में लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पटना में रहते हुए इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। जगदानंद सिंह इस मीटिंग के ठीक पहले पार्टी ऑफिस से निकल गए, तो क्या यह माना जाए कि नामों को लेकर कलह बहुत है और अब इस कलह में तेजस्वी यादव पढ़ना नहीं चाहते? यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।